के निर्भया गैंगरेप मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दलीलों के निष्कर्ष के बाद राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के 5 फरवरी आदेश के मुताबिक एक हफ्ते का समय 11 फरवरी को पूरा होता है और अक्षय की दया याचिका 6 फरवरी को राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं, इसलिए कोर्ट से नया डेट वारंट जारी कराने के लिए दिल्ली सरकार कुछ समय बाद नई अर्जी लगाए। राज्य सरकार ने इस मामले में अदालत से दोषियों की फांसी की नई तारीख जारी करने की मांग की थी। इस दौरान वहां मौजूद दोषी के वकील एसपी सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज यहां सुनवाई है। इस दौरान वहां मौजूद जज ने उन्हें नियम कानून पर जिहर करने की बात कही। कोर्ट में निर्भया की मां के वकील जितेंद्र झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट के 7 दिन के लिए समय को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, जबकि दोषी मुकेश के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस भी नहीं किया। इस दौरान वहां मौजूद पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट से नया डेथ वारंट जारी कर सकते हैं। इस दौरान जज ने सवाल किया कि हाई कोर्ट के 7 दिन का क्या करेंगे। इस दौरान वहां मौजूद पब्लिक प्रोसिक्यूटर शत्रुघ्न चौहान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 14 दिन का समय हम दोषियों को देते हैं, ऐसे में 7 दिन तो इन्हें मिलेगा ही। निर्भया मामले में दोषियों के नए डेथ वारंट जारी करने के लिए सुनवाई हुई। इस मामले में सरकारी वकील इरफान अहमद ने शुक्रवार को कोर्ट से कहा कि अब तक इस मामले में 3 दोषियों की दया याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा दोषियों का कोई भी आवेदन कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। डेथ वारंट के लिए नहीं दी है क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, जब पटियाला हाउस कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था फांसी की सजा को सनड आई अनिश्चितकालीन के लिए पोस्टपोन कर दिया था, उस ऑर्डर के अगेंस्ट तुरंत सैटरडे को दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, सैटरडे को कोर्ट खुलवा दी, संडे को कोर्ट में सुनवाई करवा दी, बुधवार को जल्दी से ऑर्डर करवा दिया और उस ऑर्डर में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पटियाला हाउस कोर्ट के जो आदेश दिया था अनिश्चितकालीन के लिए फांसी को टालने का उसको बरकरार रखा और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि अभी फांसी की तारीख और फांसी देने की बात नहीं कर सकते हैं, लीगल रेमेडी की बात की कि लीगल रेमेडी प्रोवाइड की जाए और उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी तुरंत उसी दिन बुधवार को ही जैसे ही वहां डिसमिस होता उनकी अपील जो अपील दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने डाली थी वैसे दिल्ली हाईकोर्ट डिसमिस की, तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले गए। मीडिया रिपोर्टिंग से पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी पेंडिंग है, उसमें भी 11 फरवरी की तारीख दी है, वहां भी पेंडिंग है, यहां भी लगा दी गई। फिलहाल आज अक्षय विनय पवन की यहां डेथ वारंट जारी करने के लिए पिटीशन लगाई थी दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल ने, उसको डिसमिस कर दिया गया है और कहा आगे जब प्रोसेस पूरा होगा तो उसके बाद आगे का प्रोसेस किया जाएगा। हमें फुर्सत मिले तब ना, हमें जीने का टाइम मिले तब ना, यहाँ तो मरने का भी टाइम नहीं रह गया है इस दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में, राज्य सरकार के दबाव में, तिहाड़ जेल के दबाव में। आप देखते हैं सैटरडे एक दिन मिलता है वहां भी हाई कोर्ट, संडे को भी हाई कोर्ट, वहां भी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट में उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इधर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है, लगातार इस तरह से चल रहा है प्रेशर। जस्टिस हरीज, जस्टिस वरीज, न्यायपालिका पर सरकार विश्वास ही नहीं करना चाह रही है, न्यायपालिका पर विश्वास ही नहीं करना चाह रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आपको क्या दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर प्रेसिडेंट के ऊपर लागू करवाना चाह रहे हैं आप? क्या देश के महामहिम जो भारत के संविधान के प्रथम सबसे बड़ी संवैधानिक पद है उसको आप बाउंड करना चाह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच और जो क्यूरेटिव पिटीशन 5 जज के बेंच सुनेंगे पवन कुमार गुप्ता की क्यूरेटिव, क्या उन पर भी आप बाउंड करना चाहते हैं, उन्हें भी बाउंड करें? देखिए मीडिया ट्रायल है 2012 से, लेकिन इतना ट्रायल मत बनाइए, मीडिया ट्रायल पब्लिक सेंटीमेंट पॉलिटिकल सेंटीमेंट को मत करिए, जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाए, न्याय की जो गरिमा है, भारत के संविधान की गरिमा है, जो भारत का संविधान है उसकी सम्मान करिए, उसका मान रखिए, उसका मान रखने में ही देश की भलाई है। जो भारत के संविधान में प्रस्तावना लिखा है उसको पढ़ो भी, उसको चलो भी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।